Hello dear friends, today we will teach you how to count the cells, platelets cell counts. It is the test which is very necessary for those who are suffering from dengue and whose cell counting is decreasing day by day. So how to do this test? So my pass IVS मिस्टर विपिन जी ये बताएंगे कैसे हम ये टेस्ट कर सकते हैं. तो विपिन जी, जब इंसान के जो सेल्स हैं जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं वो कम हो जाते हैं, तो कैसे ये पता लगे कि ये सेल कम हो गए हैं? सर वैसे उसको फिजिकली वीकनेस होगी, ठीक है, लेग्स में पेन होगी, ठीक है, ठीक है, उठने को जी नहीं करेगा. ये सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स हैं, ठीक है, ठीक है. तो ये टेस्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप इसका क्या है? फर्स्ट सैंपलिंग, सैंपल लो, सैंपलिंग ऑफ ब्लड. हाँ जी, कैसे करेंगे, कौन सी नीडल होगी? सैंपलिंग करने भी एक विधि है सर. हाँ जी, आपका सैंपलिंग लेने समय पहला था वेन बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है, फिर इसलिए नीडल होनी चाहिए. नीडल है, नीडल है, नीडल कई नंबर नीडल, ये नीडल है 23 नंबर. हाँ, इससे हम सैंपल लेंगे. लेंगे कितना ब्लड लेंगे? इससे लेंगे हम डेढ़. ये जैसे ये ऐसा है, मतलब ये आप इसको खोल देते हैं, इसमें से कितना ब्लड आप लोगे? 2 ml. कितना? 5 ml की सिरिंज है, 1 ml या 1.5 ml और सारे, यानी इतना का हम ब्लड लेंगे, सिर्फ 1 ml, 1 ml से कम सजेगा, ठीक. तो उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप सर लेके इसको EDTA, फ्रेश EDTA, फ्रेश ट्यूब है. हाँ, फ्रेश EDTA ट्यूब, EDTA ट्यूब में हम इसको डाल देंगे, 1 मिनट मिक्सिंग, ठीक है. अब इसको थर्ड स्टेप में रख देंगे, इसको मिक्स करना है. हैंड मिक्स विद हैंड, विद हैंड, 1 मिनट हैंड, ऐसे ही कोई ट्यूब होगी, बहुत छोटी सी ट्यूब होगी, उसको ऐसे ही मिक्स करना है हमने, ठीक है. कवर होगा, 1 मिनट ऐसे मिक्स कर, 1 मिनट, हां 1 मिनट. अब इसको हमने मिक्सर में लेके जाना है. हां, मिक्स में, मिक्स, ये मिक्सर एक मिक्सर मशीन है, मशीन है, उसके ऊपर ही ऐसे ही रख देंगे हम. कहाँ गया हमारा? ये ऐसे ही मशीन उसके ऊपर रख देंगे, ऐसे 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 रख देंगे, मिक्स होगा, तो ये अपने आप ही मिक्स होता रहेगा. तो ये 10 मिनट समय, 10 मिनट हमने मिक्स करना है मशीन से, 1 मिनट हाथ से. उसके बाद जो सैंपल लिया था उसको कहाँ लेके जाना है? सर फिर उसको हिलाकर 10 मिनट मिक्सिंग पे रखकर बिल्कुल ओपन किया, तो उसके बाद एक मशीन होती है सेल काउंटर. एक मशीन का नाम है सेल काउंटर. जी सर, काउंटर मशीन, मशीन इस मशीन से सर ये अपने आप ही ले लेगा, अपने आप लेगा. हम उसको एक्टिव मोड पे रख लेंगे, स्लीप मोड से एक्टिव, मतलब एक्टिव मोड पे रख देंगे उसको, वो अपने आप इसको ले लेगा, इस सैंपल को, ठीक है, अपने आप ले लेगा, मतलब उसको मशीन जैसे ही आएगी उसमें से आप उसमें से ले लेगा. हाँ जी हाँ, बस लगाई बटन प्रेस किया, ठीक है, कंप्लीट. अब वो डाटा हमें बताएगा, ठीक है, रिजल्ट, रिजल्ट, रिजल्ट जो अच्छे रिजल्ट है, फेवरेबल है, वो तो है 1,50,000 से हमारे सेल होने चाहिए 4,50,000. जी सर, ठीक है, ये हमारे बॉडी के सेल्स होने चाहिए, ठीक, ठीक है. और अगर रिस्की एरिया है तो ये स्टार्ट हो जाता है, इस जहां हम कहते हैं कि ये बंदे की जिंदगी और मौत का सवाल है, तो वो 20,000 से कितने तक रिस्क माना जाता है? 50,000 तक? नहीं, रिस्क तो सर बीजी में 1,50,000 से कम हो, कम हो, यानी वो लगे उस पर 1,40,000 या 1,49,000 तक रिस्क माना जाता है, भी ये बॉर्डर लाइन बन जाती है. ये मींस इसमें हम उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें इसमें मेडिसिन देने की कोई आवश्यकता नहीं, ये नॉर्मल. हां, तो ये मशीन हमें बताएगी कितने सेल हैं, एग्जैक्ट पूरे बॉडी के सेल बताएगी, पूरे बॉडी के 20 सेल होते हैं, 200 के 20 इस मशीन के अंदर एक ही बार. मान लो अगर इसकी एरिया, तो हम कुछ और टेस्ट करेंगे जिसको हम डेंगू टेस्ट कहते हैं, डेंगू. हां जी हां, या अगर 20 या 40,000 अब हैं तो टेस्ट टेस्ट जरूरी है. बहुत खुशी हुई है कि हम एक टेस्ट किया हमने,
जिसमें हमने एक सैंपल का ब्लड लिया, उसको फ्रेश ट्यूब में डाला, उसको हाथ से मिक्स किया, उसको मशीन से मिक्स किया, उसको सेल काउंटर मशीन में डाल दिया, तो वो सेल काउंटर हमें बता देगी कितने बॉडी में सेल है। ओके, उसके बाद मेडिसिन स्टार्ट होगी। थैंक यू वेरी मच।